उट क्वेश्चन जॉन सर मेरा क्वेश्चन आपसे है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई बहुत अच्छा आपका डेट टेलर है बहुत अच्छा आया है बहुत अच्छा आपने इसमें किया है लेकिन लगातार आपकी सत्यमेव जयते आई उसका पार्ट टू आया पठान भी हमने देखी बहुत अच्छा बिजनेस किया लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लगातार आप एक ही तरह का रोल कर रहे हैं खासतौर से एक्शन पर ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा क्यों है कुछ नया लाइए ना सर मैं हिंद समर्थन से नहीं अभी तो नहीं थे लेकिन टेलर, से अंदाज, थी, सर, आप, टेलर आ, से अंदाज हो गया कैन आई कॉल आउट बैड क्वेश्चंस एंड इडियट्स सर मुझे टेलर से अंदाज होगा कि वो उसी तरीके का जैसा नहीं नहीं मैं तो आपको सिर्फ डायरेक्टली uh, कहना चाहता हूं कि uh, ये फिल्म अलग है मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेंस परफॉर्मेंस जो मैंने करा है एंड ऑफ कोर्स आपने फिल्म देखी नहीं है ट्रेलर देखा है फिल्म देखिए आप उसके बाद आप जज कीजिए एंड देन आई एम ऑल योर्स व्हाटएवर यू से व्हाटएवर यू से हां

Thank you. How Thank much, you. much did it? Uh, uh, how much went into you know uh, while so, upping honestly, the game? So honestly, this is just to um, try. I'm just trying to continue the answer there. This is actually not an action film. It's a very very emotional film. And when you watch it, It's a very very emotional film. And uh, please see the film. You'll understand what I'm talking about. We can't speak so much about it. We've shown what we had to show. It's a beautiful emotional story.

Uh, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव कोच मिलते हैं और इट्स देर जर्नी टू जस्टिस और uh, जैसे आपने कहा कि मेरा जो प्रेप रहा है वेदा के लिए ऑफ़ कोर्स दिस कैरेक्टर डिमांडेड अलॉट फ्रॉम मी बिकॉज ये राजस्थान में सेट है uh, जिसके लिए भाषा का जो लहजा होता है वो आपको चेंज करना पड़ता है uh, जैसे यू नो जैसे कि हर किलोमीटर पे पानी बदलता है वैसे भाषा भी बदलती है uh, तो आई थिंक कि एज एन एक्टर मैं हमेशा से बहुत हंगरी uh, और ग्रीडी रही हूँ इस चीज़ को लेके कि जब कोई किरदार आता है तो मैं सबसे पहले ये खोजती हूँ कि इसमें मेरे प्रीवियस किरदार से अलग क्या है और मुझे वो बहुत एक्साइट करता है ये जो छोटी चीज़ें होती है कि कैसे चलना है कैसे बैठना है कैसे बात करनी है और बात करने में भी एक होता है लैंग्वेज दूसरा होता है उसकी पेस वो किस पेस किस मीटर पे बैठता है किस पिच पे बैठता है आई थिंक ये सब जो काम है मुझे बहुत पसंद है मुझे प्रेप में बड़ा मज़ा आता है और अफकोर्स निखिल सर वॉज द मेन गाइड क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारी रीडिंग्स हुई मेरी महादेव uh, जो यहाँ पे है uh, उन्होंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्योंकि क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ और थैंक यू मैम तो जो डिक्शन आपको ऑफ कोर्स यू नीड हेल्प ये ऐसे नहीं होता कि आप मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी फ्रॉम इन एंड अराउंड दिस रीजन ताकि मैं रियल लोगों को सुन पाऊँ रादर देन गोइंग टू फिल्म और गोइंग टू एनी थिंग एल्स ऑल्सो एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है राजस्थानी और हरियाणवी में जो मुझे भी नहीं पता था लेकिन अफकोर्स माई डिक्शन कोच बॉट इट अप टू मी और आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है सो

तो वो सब पे काम करना तो वो मेरा प्रेप रहा है और आई वुड से कि मुझे इससे ज़्यादा मजा कभी नहीं आया प्रेप करने में इवन दो अ वेरी वेरी टफ स्टोरी लेकिन एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज जस्ट वॉन्टेड टू प्ले समथिंग लाइक दिस एंड आई अगेन आई वुड से थैंक यू टू निखिल सर